Hello and welcome back to Lavneesh Sir Ki Class channel. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 5, When People Rebel, 1857 and After. तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम एक बार फिर से चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछली बार ये जाना था कि किस तरह से 1857 का रिवोल्ट बढ़ता ही चला जा रहा था. इंडिया के हर एरिया से, इंडिया के हर कॉर्नर से ये जो रिवोल्ट था वो बढ़ता चला जा रहा था. अब आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको क्या रिवर्ट बैक किया, उसका क्या रिवर्ट बैक किया, उसको क्या रिएक्शन किया, वो इस वर्कशीट में हम जानेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. ईयर्स आफ्टर रिबेलियन, यानी विद्रोह के बाद के साल. द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड हाफ ऑफ 1859, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनीमोर. तो देखिए क्या हुआ कि 1859 यानी 1859 के बाद के हाफ के लास्ट में उन्होंने पूरी कंट्री पर दोबारा से तो अपना कब्जा कर लिया, लेकिन अब वो पहले वाली पॉलिसीज़ के साथ और रूलिंग नहीं करना चाहते थे और शासन नहीं करना चाहते थे. गिवन बिलो आर द इम्पॉर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश. और ब्रिटिश ने इसके बाद बहुत सारे नए चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में. वो चेंजेस क्या थे, लेट्स सी. द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 एंड ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन. तो देखिए, 1858 में एक नया एक्ट पास किया गया और जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर थी उन सब को ब्रिटिश क्राउन को हैंडओवर कर दिया गया, यानी अब वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कब्जा शुरू हो गया. अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. तो जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उन्होंने एक पर्सन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का घोषित उन्होंने कर दिया, उसको बना दिया, एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया. और उसको पूरी पावर दे दी गई कि पूरे इंडिया में गवर्नेंस के लिए जो भी मैटर, जो भी चीज़ें देखनी है वो सब की सब उसी को ही देखनी है. ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम. और साथ साथ उसको एक काउंसिल भी प्रोवाइड कराई गई जो उसको एडवाइस करती थी, कॉल्ड द इंडियन काउंसिल. और उसे क्या कहा गया, इंडियन काउंसिल कहा गया, इंडिया काउंसिल कहा गया. सेकेंड इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय. जो इंडिया में गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय का टाइटल दिया गया. दैट इज द पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यानी वो राजा रानी के निजी, मतलब पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव बन के अब वो यहाँ पर अपना रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे. Through these measures, the British government accepted direct responsibility for ruling India. और इस तरह से इंडिया में रूल करने की पूरी पावर, डायरेक्टली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली. All ruling chiefs of country were assured that their territory would never be annexed in future. जितने भी यहाँ पर लोकल राजा थे, छोटे छोटे रियासतों के राजा थे, उन सबको आश्वासन दिया गया कि उनके क्षेत्र पर कभी भी अब भविष्य में कब्जा नहीं किया जाएगा. दे वर अलाउड टू पास ऑन दियर किंगडम्स टू दियर हायर्स इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन्स. और उनको ये इजाज़त भी दे दी गई कि वो अपना राज्य अब अपने उत्तराधिकारियों को दे सकते हैं, और इसमें जो अडॉप्टेड उनके सन्स हैं, अडॉप्टेड बेटे हैं, उनको भी दिया जा सकता है. However, they were made to acknowledge the British Queen as their sovereign paramount. लेकिन शर्त यह होगी कि उन सबको ब्रिटिश क्वीन को अपना सोवरियन पैरामाउंट, मतलब अपनी रानी घोषित करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of British crown. यानी उनको ब्रिटिश क्राउन के तहत अपना जो किंगडम है वो उसको चलाना पड़ेगा, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा. इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज. और ये भी डिसाइडेड किया गया कि जो आर्मी में इंडियन सोल्जर्स
का जो नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स है उन्हें कम किया जाएगा और नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमंग द गुरखास, सिक्स एंड पठानस. तो देखिए क्या किया गया, एक चीज और किया गया कि अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया से ज़्यादा सोल्जर्स ना लेकर उन्होंने गुरखा, सिख और पठानस को ज़्यादा आर्मी में अपॉइंट करना शुरू कर दिया. ऐसा शायद इसलिए भी क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कब्ज़ा कर रखा था, तो हो सकता था कि जो वहाँ के सोल्जर्स हों वो भी रिबेल दोबारा से कर दें. द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वॉज कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विथ सस्पिशन एंड हॉस्टैलिटी. तो देखिए उन्होंने क्या किया, एक चीज और किया कि जो मुस्लिम्स थे उनकी जो संपत्ति थी, उनकी ज़मीनें थी, लार्ज स्केल में उनको अब उन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और उनको हमेशा शक भरी निगाहों से देखा जाने लगा क्योंकि द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन इन अ बिग वे. क्योंकि उन्हें लगता था कि इस सारे फसाद की जड़, इस सारे विद्रोह की जड़ ये मुस्लिम्स ही हैं. द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल इन इंडिया. यानी कि जो लोग हैं ब्रिटिश, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया के लोग हैं अब उनके धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप वो नहीं करेंगे और उनको एक सम्मान देंगे जितने भी धार्मिक रीति रिवाज हैं या जो उनकी संस्कृति है. पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर दियर लैंड्स. और जो जमींदार थे और जो बड़े बड़े भूस्वामी थे उनको उनके राइट्स की सिक्योरिटी दी गई, जो ज़मीन से संबंधित उनके राइट्स थे उनको सिक्योरिटी भी दी गई. दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857. और इस तरह से 1857 के बाद एक इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई. सो नाउ लेट्स मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. यानी 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस किए. जैसे फर्स्ट है द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858. उन्होंने 1858 में एक नया लॉ पास किया एंड ट्रांसफर टू द पावर्स टू द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन. यानी अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से पावर सारी ब्रिटिश क्राउन के पास यानी ब्रिटिश की महारानी के पास चली गई. सेकेंड इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय. जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे उन्हें वायसराय का टाइटल दिया गया. दैट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन. यानी अब वो महारानी के पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया में. एंड थर्ड वाज इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज. यानी अब आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या कम की गई और यूरोपियन सोल्जर्स की संख्या को बढ़ाया गया. सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द ब्रिटिशर्स हैव इंट्रोड्यूस्ड दीज चेंजेस. आपको क्यों लगता है कि ब्रिटिशर्स ने ये चेंज किए. देखिए इन माई ओपिनियन द ब्रिटिश मस्ट हैव मेड दीज चेंजेस सो दैट द रिवोल्ट लाइक 1857 डज नॉट हैपन अगेन. यानी मेरे ख्याल से ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसलिए ये चेंजेस किए कि ताकि जो रिवोल्ट 1857 का था वो वैसा जो रिवोल्ट है दोबारा ना हो पाए. बिकॉज दिस रिबेलियन शुक द ब्रिटिश पावर. यानी इस जो विद्रोह ने पूरे ब्रिटिश पावर को हिला के. नाउ थर्ड क्वेश्चन व्हाट वर द न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस इन आर्मी. आर्मी में क्या न्यू चेंजेस किए गए थे. देखिए इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वुड बी इंक्रीज. यानी ये डिसाइडेड किया गया कि इंडियन सोल्जर्स का नंबर अब आर्मी में कम होगा और यूरोपियन सोल्जर्स को ज़्यादा बढ़ाया जाएगा. इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम द अमंग द गुरखास, सिक्स एंड पठानस. यानी ये भी डिसाइड किया गया कि अवध, बिहार और मध्य भारत तथा दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गुरखास, सिख और पठानस में से जो सोल्जर्स थे उनको रिक्रूट किया जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर फार रीचिंग एंड ऑल एनकंपासिंग. कमेंट
यानी जो 1857 के विद्रोह के परिणाम थे वो बहुत दूरगामी थे, उनके जो परिणाम थे बहुत दूरगामी थे और सबको प्रभावित करने वाले थे। इस पर आपको कमेंट करना है। देखिए जैसे मैंने पॉइंट्स में ही लिखा है, द ब्रिटिश हैड रीगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड हाफ ऑफ द 1859, यानी 1859 के लास्ट तक उन्होंने दोबारा से रिकंट्रोल कर लिया था इंडिया को, बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एंड एनीमोर। यानी अब उनको ये पता चल गया था कि सेम पॉलिसीज के साथ इस लैंड पर दोबारा से रूल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने फिर क्या किया, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट द टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्सेड इन द फ्यूचर। यानी सभी राजाओं और रानियों को ये एश्योर किया गया कि अब उनके क्षेत्र पर, भूभाग पर दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा। देवर अलाउड टू पास ऑन दियर किंगडम्स टू दियर हायर्स इंक्लूडिंग अडोप्टेड सन। यानी अब वो अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने बच्चों को, यहाँ तक कि जो गोद लिए बच्चे थे उनको भी दे सकते हैं। और उन्होंने ये भी महसूस किया था, इसलिए इस चीज़ को चेंज किया, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल इन इंडिया। यानी अब उन्होंने ये भी फैसला लिया था कि जो भी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको भी जारी रखा जाएगा, उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक कारण था 1857 के रिवोल्ट का। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।